نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله पीरे तरीकत रहबरे शरीयत गुलशने गुले कबीर अक्से यूसुफुल मशायख हजरत साहबजादा पीर सैयद अहमद सबतैन शाह हैदर अलमारूफ लाला जी सरकार आस्ताना आलिया चूरा शरीफ शेख तरीकत जानशीन वाहिद खुशबूए कबीरुल औलिया हजरत साहबजादा पीर सैयद अल्लामा हाफिज अहमद मुस्तफ़ैन हैदर शाह गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। आज हमारे इस इलाके में बड़ा करम हुआ है, लोगों को एक नहीं पीर मिलता, सानू दो दो मिल गया। और आज यकीन करें कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, इसलिए कि ये लजपाल ने करम किया तो आप तशरीफ़ लाए, लाला जी सरकार भी और हाफ़ा जी सरकार भी। ये यकीनन ये बड़ों का फैज़ और उनकी सुन्नत पर, क्योंकि आज भी इनकी सूरत में हमें वो सूरत नज़र आती है कि जो हर शबे बरात हमारी उस बरात के दूल्हा हुआ करते थे। और तकरीबन आप 14 साल के करीब आप तशरीफ लाए और हर बार तशरीफ लाए, और जब भी तशरीफ लाए तो आप फरमाया करते थे मैं अपने पुत्र हल चला हूं। और आज भी ये इन्होंने इसी तरह शफकत की जैसे भाई भाइयों पर, पीर मुरीद पर, शेख अपने अकीदत बंद पे करता है कि ताखीर गो महसूस आप लोगों को हुई होगी कि थोड़ी ताखीर हो गई, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पे ये है कि जब ये मुझे खबर मिली कि किबला लाला जी सरकार भी तशरीफ ला रहे हैं तो फिर मैं समझ गया कि आज दो फैज़ मिलने वाले हैं। पहले एक चश्मे से फैज़ मिलता था, आज मेरे पीर कबीर ने करम किया, कहा इरफान शाह फिक्र न कर मैं दोनों को भेज रहा हूं। और फैज़े नबूवत भी आ रहा है, फैज़े वलायत भी आ रहा है,
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला उनका भी उनकी भी निगाह करम है, मौला अली शेर खुदा की वलायत की भी निगाह करम है, और दो दो फैज मिल रहे हैं क्योंकि आज कुरब जो मिल रहा है, और ये कुरब यहीं पे नहीं मिल रहा, आज वो रात है कि रब इतना करीब हुआ कि कहा सुम्म दना फतदल्ला। अल्लाह ताला भी आज कुरब की बात कर रहा है, आज हम भी कुरब की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरब की बात की अपने महबूब की, वो महबूब चल के गया, आज हम कुरब की बात कर रहे हैं अपने महबूबों की, ये भी चलकर जलवागर हो गए। तो वो रब है ना, वो रब है, वो कहता है सुम्म दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ। कितना करीब हुआ बताया उसने भी कोई नहीं, बताया उसने भी नहीं, बताया है पर छुपाया है, बताया है पर छुपाया है। बताया क्या है, कहा सुम्मा दना, फिर करीब हुआ, फतह अल्लाह, फिर और करीब हुआ। अब सुम्मा दना कौन करीब हुआ कोई पता नहीं, फतह अल्लाह फिर वो जो करीब हुआ कौन करीब हुआ कोई पता नहीं। तो फिर मैंने जब चूरे की तरफ रुख किया ना, तो मुझे पीरे कबीर ने बताया कि मैं तुम्हें बताऊं कौन करीब हुआ। मैंने पूछा हुजूर कौन हुआ, कहा देख तो सही उस रात मेहमान कौन था, मेजबान कौन था। मैंने कहा खुदा मेजबान था, मुस्तफा मेहमान था। कहा वहां इस जमाने का दस्तूर है कि जितना आला मेहमान होगा उसी तरह मेजबान जितना आला होगा उस मेहमान की कदरों कीमत भी उतनी आला करेगा। अब मेहमान मेजबान अगर आला है तो कोई मेहमान आए तो उसे लेने के लिए जाता है कहां पर, एयरपोर्ट पर। मेजबान और आला हो, अगर इससे भी कम तर हो मेजबान, तो जब मेहमान आए तो उसको उसके आने पर वो भी आगे बढ़ता है कहां तक, रेलवे स्टेशन तक। अगर इससे भी कमतर कोई मेजबान हो इतना जरूर करता है कि वो अपने घर से निकलकर गली के कोने पर आ जाता है और कहता है मेरा आज मेहमान आने वाला है। और अगर इससे भी कोई कमतर हो तो इतना तो जरूर करता है कि वो दरवाजे खोल के अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। पूछा जाए भाई क्यों खड़े हो, वो कहता है मेरा मेहमान आने वाला है। आज तसव्वुर तो करो, खुदा जैसा मेजबान कोई नहीं, मेरे मुस्तफा जैसा मेहमान कोई नहीं, तो अब कौन बताए कि वो कितने करीब हुआ और ये मुस्तफा कितना करीब हुआ, वो खुदा मेजबान कितना आया कित करीब आया, ये मेहमान मुस्तफा कितना करीब आया। आप समझ नहीं सकोगे, पर एक हदीस में है जिससे शायद इशारा समझ लो। हदीस क्या है, मेरे आका की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अगर कोई गुनाहगार बंदा मेरी तरफ आता है तो मेरी तरफ आता है एक बलिश्त, तो मैं उसके पास एक गज जाता हूँ। अगर कोई मेरे तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। मौला ये बात किसकी कर रहा है कि कोई एक बलिश्त आए तो एक गज आता है, कोई चल के आए तो तू दौड़ के आता है। कहता है मैं बात कर रहा हूँ अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगार की। अरे गुनाहगार जब जाए एक बलिश्त तो वो खुदा एक गज आए, गुनाहगार जाए रब की तरफ चल के तो वो दौड़ कर आए। जरा मेराज की रात देखो तो सही, ये जाने वाला इस गुनाहगार उम्मत का वो नबी है, वो नबी है, वो नबी है जो गुनाहगार नहीं गुनाहगारों को बख्शवाने वाला अहमद मुख्तार जा रहा है। वो कमली वाला महबूब कितना करीब गया, वो खुदा कितना करीब आया। बस बात खत्म करता हूं क्योंकि रब ने भी बात आगे की नहीं, बस इतना फरमाया इतना करीब हुए कि फकाना काब कौसैन, फकाना काब कौसैन, दो कमाने एक हो गई, दो कमाने, एक बार बोलो सुभान अल्लाह, दो कमाने, दो कमाने एक हो गई। समझ गए ये कमान की शक्ल है, दो कमाने एक हो जाए तंदी एक हो जाती है। हजरत इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फकान काब कौसैन, इसका माना और मतलब क्या है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात फरमाया ऐ कमली वाले महबूब तू अपनी कमान ले आ, मैं अपनी कमान ले आता हूँ,
शफात वाली कमान तेरी, रहमत वाली कमान मेरी, फकान काबा कौसैन। आज क्यामत के दिन दोनों कमाने आपस में मिला लेते हैं ताकि तेरी उम्मत की बात बन जाए। शफात तू करते जाना, रहमत मैं करता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्थान आलिया चूरा शरीफ, आस्थान आलिया चूरा शरीफ, हजूर किबला आलम ताजदारे चूरा शरीफ। अब आप बताएं, मैं बात आगे नहीं करता। क्यों? आगे रब ने भी नहीं की। क्यों? अल्लाह ने फरमाया फकान का वको सही। हम समझ गए कि इतना करीब हुए जितना दो कमाने। दो, सारे बोलो ना, दो, दो कमाने। अब दो कमाने कैसे बनती है? ये शक्ल क्या है बोलो? ये शक्ल क्या है कमान की? उधर से भी कोई आए तो वो शक्ल क्या है कमान की? जब हम समझने लगे ना कि जैसे दो कमाने एक हो गई, अल्लाह फरमाता है औ अदना, तुम क्या समझोगे इससे भी ज्यादा करीब हुए, इससे भी ज्यादा करीब हुए। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने फकान का बकौसैन दो कमानों की मिसाल इसलिए दी, अरब में ये रवाज था, दो अरब में ये रवाज था, जब कोई दो सरदार अरब वाले आपस में सुलह करते तो यूं किया करते थे, अपनी अपनी कमान ले आते, एक सरदार अपनी कमान ले आता, दूसरा सरदार अपनी कमान ले आता, और दोनों कमाने मिला लेते और मिलाकर उसमें एक तीर रख के दोनों चलाते, जिसका मतलब यह होता कि खबरदार आज के बाद हमारी सुलह, आज के बाद हमारी दोस्ती, आज के बाद हमारी मोहब्बत, आज के बाद जो इसका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इसका यार वो मेरा यार, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। कहा फकान का बकौसैन, अल्लाह ने कमानों की मिसाल दे के फरमाया ए अरब वालों, तुम जब आपस में यारी करते हो तो दोनों कमाने मिला लेते हो। आज मैंने और मेरे महबूब ने भी दोनों कमाने मिला ली हैं। आज सुन लो, सुन लो, तुम भी कमाने मिलाकर तीर फेंकते हो। आज मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, तमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आज के बाद इसका फेंकना मेरा फेंकना है। मैं युदीर रसूला फकद अताल्ला, अब इसकी अतात मेरी अतात है, इसकी दोस्ती मेरी दोस्ती है, इसकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। जो इससे प्यार करे वो मुझसे प्यार करे, जो इसका यार वो मेरा यार, जो इससे बुगद रखे वो मुझसे बुगद रखे। मेरा और इसका रिश्ता ये है कि हाथ इसके हैं, इशारे मेरे हैं, इशारे इसके हैं, सहारे मेरे हैं, हरकत इसकी है, बरकत मेरी है, आंखें इसकी हैं, बसारत मेरी है, कान इसके हैं, समात मेरी है, बाजू इसके हैं, कुव्वत मेरी है, जिस्म इसका है, ताकत मेरी है, जबान इसकी है, कलाम मेरा है, नुत्क इसका है, कुरान मेरा है। ये कब बोलता है? जब मैं बोलता हूँ। मैं कब बोलता हूँ? जब ये बोलता है। ये कब बोले? जब मैं बोलूँ। मैं कब बोलूँ? जब ये बोले। ये ना बोले बस मैं बोलूँ, मैं ना बोलूँ बस ये बोले, क्योंकि इसकी बोली मेरी बोली, मेरी बोली इसकी बोली, अदा इसकी है, रजा मेरी है, गुस्सा इसका है, जहन्नम मेरी है, उम्मत इसकी है, जन्नत मेरी भी तेरी है। अल्लाह है, 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 अल्लाह। हजरत अब मुझे बताएं कि दो गुलशन गुले कबीर के दो गुल हैं, किसको दावत दो? खुशबू भी एक जैसी है, सूरत भी एक जैसी है, कलाम भी एक जैसा है, अगर मुस्कुराहट देखो तो एक जैसी है, इसी सूरत में कोई सूरत नजर आती है। अभी बोलेंगे तो वही बोली नजर आएगी, अभी अदाएं देखोगे तो वही अदा नजर आएगी, मोहब्बत देखोगे तो वही मोहब्बत नजर आएगी, प्यार देखोगे तो वही प्यार नजर आएगा, समझाना देखोगे तो उसमें वही समझ नजर आएगी, फैज देखोगे तो वही तुम्हें फैज नजर आएगा। वही अंदाज, यूं आंख का अबरू उठाना, जिक्र अल्लाह की सदाएं आना,
यूं ही नजरों को कुछ झुकाना और यूं ऐसे जैसे रहमत की चादर के नीचे कोई आ गया है। तो मैं अदब के साथ, एहतराम के साथ इल्तजा करता हूं हुजूर लाला जी सरकार की बारगाह में कि आप अपने प्यारे प्यारे ख्यालात मलफूजात से हम सबके दिलों को मुनव्वर फरमाएं।